इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अगर हकीकत बयान की जाए तो बेलगाम शहर और अतराफ की हालत बेहद नाजुक है। वैसे आज ऑक्सीजन प्लांट किसन की बुनियाद बेलगाम जिला अस्पताल के इहाते में रखी गई। करोड़ों रुपए खर्च कर ऑक्सीजन प्लांट का कयाम अमल में आएगा। खैर जो भी है अच्छी बात है, पर क्या ऐसा नहीं लगता कि काफी देर हो चुकी है। आज बेलगाम शहर और अतराफ में ऑक्सीजन बेड को लेकर एक तरह का अफरा तफरी का माहौल है। हर 5 मिनट में हम जैसे साफियों को ऑक्सीजन के लिए फोन आते हैं। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने खौफनाक तस्वीर आज शहर के। निजी अस्पताल वालों को तो कोई पूछने वाला है ही नहीं, जो चाहे मनमानी कर रहे हैं। अस्पतालों पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं और अस्पताल वालों को किसी का डर भी नहीं। जो मौतों के आंकड़े बयान किए जा रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा मौतें हो रही हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक कब्रस्तान और शमशान में जगह कम पड़ रही है। ऑक्सीजन का प्लांट तामीर करना बहुत जरूरी है, पर क्या सैकड़ों मौतों के बाद ही हुकूमत नींद से बेदार हो जाती है? आज गरीब तो बिल्कुल बेबस है। अस्पतालों में लाखों रुपए किस लिए लिए जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर्स के विजिट के चार्जेस भी हजारों में, ऑक्सीजन की कीमत भी हजारों में है। जब कोरोना की दवाई अब तक नहीं बनी है तो आखिर लाखों रुपए बिल किस बुनियाद पर लगाए जा रहे हैं? वेंटिलेटर नहीं, बेड नहीं, ऑक्सीजन के लिए तो दर दर की ठोकरें मरीज के घर वाले खा रहे। कईयों की जिंदगी तो अस्पतालों के दरवाजे पर ही खत्म हो रही है। इसके बावजूद हुकूमत अपनी नाकामी को कबूल करने की बजाय कामयाबी की दलीलें पेश करती रहती है, ताकि इस हुकूमत को कामयाब हुकूमत कहा जाए। बेलगाम जैसे छोटे शहर में भी सैकड़ों मौतों की फहरिस्त के बाद बजाय कमी के फहरिस्त और भी तवील होती जा रही है। तमाम मामलों को सिविल अस्पताल की तरफ ही मोड़ दिया जाता है। पहली लहर, दूसरी लहर, अब तो तीसरी लहर की भी तैयारी करने की बात हुकूमत बता रही है। यानी हुकूमत को पहले ही पता है कि तीसरी लहर आने वाली है, लिहाजा तुम्हारे बच्चों की मौत होने वाली है, ऐसा पहले ही बताया जा रहा। अगर आपको तमाम लहरों का पहले से ही पता है तो तैयारी किस मियार की आपने की है, इस पर भी तो सवाल पूछने चाहिए। अब तो सवाल पूछने वालों को भी जेल भेजने की तैयारी जारी है। ड्रप्पा हुकूमत गरीबों के लिए 1,250 करोड़ का पैकेज लेकर आई है। ऑटो रिक्शा वाले को 3,000 रुपए, सड़क पर सब्जी फ्रूट बेचने वालों को 2,000 रुपए, इसी तरह 2,000-3,000 के खैरात देने का ऐलान कर किस तरह हुकूमत दयावान है की तस्वीर पेश की जा रही है। सवाल यह उठता है कि महंगाई को तो हर रोज बढ़ा दिया जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दामों को तो बेतहाशा बढ़ाकर महज 2,000 उसे जिंदा रहने के लिए दिए जा रहे हैं। क्या यह जख्मों पर नमक छिड़कने की तरह नहीं है? अगर शहर का ही जायजा लिया जाए तो हर 2-4 घर के बाद किसी न किसी रिश्तेदार, भाई, बाप इस कोरोना में मर चुके हैं। आवाम का कहना है कि आपके करोड़ों के पैकेजेस आप ही को मुबारक, बस आप अस्पताल, मेडिकल, दवाइयां, जांच, ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन का इंतजाम कीजिए। पहले जिंदगी बख्श दीजिए, अगर जिंदा रहेंगे तो आपके 2,000 में भी जिंदगी गुजार लेंगे। जिस तरह का ऑक्सीजन प्लांट का ऐलान हुआ है और महज संग बुनियाद रखी गई है, इसी तरह पैकेजेस को पहुंचते पहुंचते पता नहीं और कितने लोग मर जाएंगे और कितने लोग मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। क्योंकि कोई भी काम वक्त पर करने की आदत किसी भी हुकूमत को नहीं है। ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन का प्लांट मुकम्मल होते होते तो कोरोना ही चला जाएगा, पता नहीं उसमें भी कितनी ईमानदारी बरती जाएगी। हम सभी जानते हैं कि बुजुर्गों की पेंशन में ही बेलगाम जिले में कितने घोटाले सामने। खैर कहने का मतलब मौजूदा हालात बड़े ही खौफनाक है और जिस तरह मरीज घर वाले कोरोना मुतासिर की जान बचाने के लिए तड़प रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, आंखों से पानी निकल जाता है। अगर दूसरी तस्वीर भी देखी जाए तो इंसानियत भी मरती जा रही है। बेलगाम शहर में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है। आखिर किस इंतहाई बस्ती में हम चले जा रहे हैं? महज कोरोना मुतासिर होने की खबर से ही मरीज को घर से बाहर निकलने का मुतालबा मोहल्ले के कुछ लोगों ने किया। यहाँ तक कि इस मरीज से मोहल्ले को खतरा हो सकता है, लिहाजा इसे बाहर निकाला जाए। घर वालों के सामने सवाल खड़ा हुआ कि आखिर इसे कहाँ ले जाया जाए। मरीज को लेकर अस्पताल अस्पताल घूमने लगे, कहीं पर भी बेड खाली नहीं था, ऑक्सीजन नहीं। आखिर में किसी इदारे के जरिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर लॉज में रखा गया। आखिर में मरीज की मौत वाकई हुई। क्या उस मरीज का घर में ही इलाज नहीं हो सकता था? क्या मोहल्ले वालों का इस तरह का रवैया इंसानियत को शर्मसार करने वाला नहीं? याद रखो, आपके घरों में भी हादसे हो सकते हैं। अब तो होश के नाखून लो, हर घर से लाशें उठ रही हैं। एक तरफ नाकाम इंतजामिया, लालची अस्पताल वाले गलत तफ्तीश और गलत मशवरों के जरिए मरीजों को हिम्मत देने के बजाय डराने का काम कुछ एजेंट कर रहे हैं।
दवाइयों के कालाबाजारी जारी है, इन तमाम मरहलों से शायद ही कोई बचकर घर आ सकता है। लिहाजा जरूरत है अवाम को बेदार होने की और एकजुट मुत्तहिद होकर सरकार से सवाल करने की। सरकार चाहती है कि अवाम डर खौफ के साए में ही अपनी जिंदगी गुजर बसर करे। झूठ को इतना जोर से बोलो कि सच लगने लगे, और यही मौजूदा इख्तदार पजीर हुकूमतें कर रही है। आज आर अशोक वजीर रियासत ने सहाफियों से मुखातिब होकर कहा कि कांग्रेस पार्टी तो भाजपा हुकूमत को यूं ही बदनाम कर रही है। कामयाबी की मिसालों को पेश करते हुए कहा कि पहले 20,000 वेंटिलेटर थे, अब 80,000 किए गए। 32 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट के कयाम की संग बुनियाद रखी गई। रेल डिब्बों में 70,000 आइसोलेशन बेड्स का इंतजाम किया गया। इसके बावजूद भी कांग्रेस हुकूमत शक्कर में नमक डालने का काम कर रही है। कांग्रेस का सिद्धरामैया ने इल्जाम लगाया कि कामगार कल्याण यानी वर्कर्स वेलफेयर फंड से रुपए इस्तेमाल किए गए, जिस पर हुकूमत खुद की पीठ थपथपा रही है। डीके शिवकुमार और कुमार स्वामी ने यह पैकेज महज बोगस यानी फर्जी है। किसानों को जो पैकेज दिया गया है उसमें किसानों के बीज भी खरीदे नहीं जा सकते, ऐसा कहा। वहीं एमएलए सतीश जारकीहोली ने कहा कि जो भी पैकेज का ऐलान यद्यपि हुकूमत की जानिब से किया गया है महज विपक्ष के दबाव में आकर किया गया, इससे बेहतर होता कि तीसरी लहर को रोकने के लिए कुछ इकदाम करते। खैर, जो भी हुकूमत कामों को अंजाम दे रही है यह काम अच्छा तो है, पर काफी देर के बाद जागने की तरह हो रहा। हजारों खानदान कोरोना से उजड़ गए, कई बच्चे यतीम हुए, औरतें बेवा हुई, अब जाकर होश आए हैं। जब हर मामले का इल्म हुकूमतों को पहले से ही होता है, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी लहर का अंदेशा हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जाता है, तो फिर इसकी तैयारी करने की बजाय चुनाव में अपनी तमाम सलाहते तमाम कुव्वत को क्यों झोंक दिया जाता है और चुनाव और कब कर लेते हैं। पर जिन लोगों की मौत इस कोरोना काल में हुई है इसका क्या? इंसान की कीमत बेशकीमती होती है, पर भारत में मामला कुछ अलग है। यहाँ चुनाव, इख्तदार, कुर्सी सब कुछ है, गरीब तो महज कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीता है, और इसके मरने पर भी किसी सियासी लीडर को अफसोस तक नहीं होता। तभी तो 2 किलो चावल से गुजारा नहीं होता कहने पर ही कर्नाटक के वजीर उमेश कत्ती ने कहा था कि मर जा, और यही सच है। अगर तू कोरोना से नहीं मरेगा तो तुझे भूखा मरना पड़ेगा, और शायद सियासी लीडर यही कहना चाहते। देहात में कोरोना मर्ज तेजी से बढ़ने की बात करते हुए रियासत के वजीर दाखिला बसवराज बोम्मई ने कहा कि अब और सख्त कानूनों को नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद भी सड़कों पर निकलने की वारदातों में इजाफा ही हो रहा है, लिहाजा अब पुलिस के जरिए सख्ती से अमल करने पर मजबूर किया जाएगा। बेलगाम शहर में भी बिना मास्क और बेवजह घूमने वाले गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। 35 गाड़ियों को जब्त किया गया तो तकरीबन 300 पर बिना मास्क की कार्रवाई की गई। शनिचर से पीर सुबह तक वीकेंड सख्त लॉकडाउन का ऐलान हुकूमत की जानिब से किया गया। पीर से क्या और लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा इस पर फैसला 22 तारीख को किया जाएगा, ऐसा भी हुकूमत की जानिब से बताया गया। एक तरफ मास्क और बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, तो सियासी लीडरों के लिए अलग कानून नजर आ रहा है। धारवाड़ भाजपा लीडर मल्लिकार्जुन साहूकार की शादी की 25वीं सालगिरह के मौके पर एक इजलास मुनक्कद किया गया था, इसमें किसी तरह का मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी गई। लिहाजा आवाम में इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या सियासी लीडरों को कानून अलग है और आवाम के लिए अलग है, क्या कार्रवाई होगी, ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है। आखिर में एक अजीब खबर कोरोना को लेकर। अब कोरोना पर क्या क्या कहा जाए समझ में नहीं आता, अब तो जहालत की इंतहा ही कह सकते हैं, और दुनिया में भारत ही वाहिद मुल्क अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। कोरोना का चेहरा भी मिल चुका है, वैसे तो इसे वायरस ही कहते हैं, पर अगर भारत में कोरोना को देवी कहा जाए तो आपको ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए। लिहाजा कोरोना देवी का मंदिर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में तामीर किया गया है। अब तो ये कोरोना ऐसे काबू में नहीं आएगा, लिहाजा इस देवी को ही मना लिया जाए तो कोरोना काबू में आ सकता है, ऐसा शायद अब कुछ लोग सोचने लगे। वैसे भारत में कुछ भी सोचा जा सकता है, क्योंकि कैंसर गोमूत्र या गोबर से जा सकता है, गोबर कोहिनूर से भी कीमती है। खैर, ऐसे बहुत कुछ वाकई आपको मिल सकते हैं। अब इस पर दुनिया के साइंटिस्ट क्या कहते हैं मालूम नहीं, पर भारत आस्थाओं का देश है, लिहाजा भारत के लीडर इसके हक में क्या बात करते हैं या नहीं मालूम नहीं, पर इतना तो जरूर है कि पहले से ही कोरोना को लेकर भारत की कलंकित तस्वीर को और भी कलंकित करने की ही कोशिश कह सकते हैं। खैर, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।